नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या है और इसके भारत के लिए ऐसे भी क्या मायने हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान शहर में पहुंचे इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। जो लोग हमारे वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या है और इसके भारत के लिए ऐसे भी क्या मायने हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान शहर में पहुंचे इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अर्थ क्या है। आपको बता दें कि ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, राजनीतिक संवाद और सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी जब पहले सिर्फ 4 देश थे जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। एक प्रारंभिक बैठक की इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस संगठन में शामिल हुआ जिसके बाद से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिक्स समिट 2024 ब्रिक्स देशों के बुधवार को रूस के कजान शहर में होने वाला शिखर सम्मेलन 16वां शिखर सम्मेलन था और इससे पहले 15 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। रूस के कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने दुनिया भर में खूब चर्चा बटोरी है। रूसी राष्ट्रपति का वैश्विक नेताओं को जुटाकर पश्चिम को ताकत दिखाना हो या फिर चीन भारत के शीर्ष नेताओं की मुलाकात, इसने कई संदेश दिए हैं। ख़ास तौर से भारत की बात की जाए तो समिट ने नई दिल्ली की भू राजनीतिक स्थिति को रेखांकित किया है। ब्रिक्स में भारत की भूमिका की ग्लोबल पॉलिटिक्स रिस्क एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने तारीफ भी की है और विदेश नीति में संतुलन को सराहा है। इस वर्ष का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा और इस बार सबकी नज़रें पीएम मोदी पर क्यों हैं। भारत हमेशा से ब्रिक्स जैसे संगठनों के लिए प्रतिबद्ध रहा है और यह वास्तव में एक बहुध्रुवीय दुनिया देखना चाहता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर पश्चिमी देशों का आधिपत्य न हो। पिछले साल ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका स्पष्ट संदेश भी दे चुके हैं कि दुनिया अब बहुध्रुवीय है और अब इसे पुराने नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे भी ORF के आर्टिकल में कहा गया है कि भारत हमेशा से बहुत से मंचों के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स भी भारत के लिए एक ऐसा ही मंच है जिसके ज़रिए वह वैश्विक साउथ की आवाज़ बन रहा है। इस बार की बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दुनिया के देशों की भारत पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस के साथ भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। चीन और अमेरिका भी तनातनी में रहते हैं जबकि रूस और चीन काफ़ी करीब हैं। ऐसे में अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत भी रूस की खिलाफत करे, इसलिए दुनिया की नज़रें इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में भारत पर टिकी रहेंगी। वहीं रूस के ज़रिए भारत चीन के सामने भी अपने मुद्दे उठा सकता है। चीन दादागिरी से बाज आ जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन से देशों को काफ़ी फायदा हो सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत को काफ़ी एक्टिव देखा गया। इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। इसके अलावा उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा बाकी सदस्य देशों के नेताओं से भी गर्मजोशी से भेंट की है। ब्रिक्स की इस बैठक को सीधे तौर पर अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ एक गुटबंदी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत ब्रिक्स के ज़रिए क्या हासिल करना चाहता है और क्या उसकी एक महत्वाकांक्षा इस समूह में चीन के रहते हुए पूरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिक्स के सदस्यों में भारत एक ऐसा देश है जिसका पश्चिमी देशों के साथ सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। इसके बावजूद वह ब्रिक्स के विकास और विस्तार का सबसे लाभार्थी बना हुआ है। भारत के अधिकांश नए ब्रिक्स सदस्यों के साथ गहरे संबंध हैं। मिस्र मध्य पूर्व में एक बढ़ता हुआ व्यापार और सुरक्षा साझेदार है। संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब के साथ जिसे ब्रिक्स सदस्यता की पेशकश की गई लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुआ है।
भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है इथोपिया के साथ भारत का संबंध। अफ्रीका में सबसे लंबा और सबसे करीबी है। सिर्फ नए ही नहीं बल्कि ब्रिक्स के मूल सदस्य भारत के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते रहते हैं। पश्चिमी देशों द्वारा रूस को अलग थलग करने के बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए, इसके बावजूद भारत अपने करीबी दोस्त रूस के प्रति निरंतर अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देता रहा है। ब्रिक्स में प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ काम करने से भारत को बीजिंग के साथ तनाव कम करने के अपने धीमे सतर्क प्रयास में मदद मिल रही है। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब भारत ने शिखर सम्मेलन के ठीक एक दिन पहले चीन के साथ सीमा गश्त समझौते का ऐलान कर दिया। इस घोषणा ने प्रधानमंत्री मोदी को शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलने के लिए एक आवश्यक कूटनीति और राजनीतिक माहौल बना दिया। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स भारत को रणनीतिक स्वायत्तता के अपने मुख्य विदेशी नीति सिद्धांत को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। भारत की पश्चिम के अंदर और बाहर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह की महत्वपूर्ण साझेदारियां हैं। इस अर्थ में तेजी से महत्व मजबूत होते ब्रिक्स में इसकी उपस्थिति और इसके सदस्यों के साथ संबंधों को पुनर्जीवित इंडो पैसिफिक क्वाड में इसकी भागीदारी और अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ इसके मजबूत संबंधों के साथ संतुलित किया जा सकता है। अधिक व्यापक रूप से यह माना जा सकता है कि ब्रिक्स की प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएँ हैं। हाल ही में शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में उन्हीं सिद्धांतों और लक्ष्यों को दोहराया जा रहा है जिन्हें भारत अपने स्वयं के सार्वजनिक संदेश और नीति दस्तावेजों में व्यक्त करता है। इसमें ग्लोबल साउथ, भारत के लिए महत्वपूर्ण आउटरीच लक्ष्य के साथ जुड़ना, बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र सुधार की वकालत करना, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट चाहता है, और पश्चिमी प्रतिबंध व्यवस्था की आलोचना करना जो रूस के साथ दिल्ली के व्यापार और ईरान के साथ बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को प्रभावित करता है। ये सारी बातें शामिल हैं। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त और सैनिकों को पीछे हटाने पर भारत चीन समझौते का बुधवार को समर्थन किया तथा विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को बहाल करने के निर्देश जारी किए जो 2020 की सैन्य झड़प से प्रभावित हुए संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों का संकेत देते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर यहां आयोजित करीब 50 मिनट की बैठक में मोदी ने मतभेदों और विवादों को उचित तरीके से निपटाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व स्थिरता को भंग करने की अनुमति नहीं देने के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि परस्पर विश्वास, एक दूसरे का सम्मान और परस्पर संवेदनशीलता संबंधों को बेहतर बने रहना चाहिए। मोदी और शी ने करीब 5 वर्षों में अपनी पहली द्विपक्षीय मीटिंग में सीमा मुद्दे पर रुकी पड़ी विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता को शीघ्र बहाल करने का भी निर्देश दिया तथा कहा कि यह सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर यह पहली बैठक थी, लेकिन हम सब यह जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान पर विश्वास करना यानी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के ही बराबर है। अब देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद आखिर भारत के लिए क्या हित है और क्या नहीं। क्या सीमा पर चल रहे विवाद स्थिर हो जाएंगे? क्या हमारे हजारों लाखों जवानों की जो मृत्यु हुई है, उनकी शहादत हुई है, क्या वो बच जाएगी? और यदि ऐसा होता है इस सम्मेलन के बाद तो ये भारत के लिए सच में एक अहम सम्मेलन हुआ, और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस सम्मेलन में सम्मिलित होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में दिन पर दिन बढ़ती सीमाओं में विवाद आम बात सी हो गई है, चाहे वो लद्दाख का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, और चाहे कहीं भी भारत की सीमा का हो, जहाँ पर हर समय चीन और पाकिस्तान घुसपैठियों के ज़रिए हमारे देश पर कब्ज़ा करना चाहता है और हमारे देश में अपनी ताकत दिखाना चाहता है।
आपको क्या लगता है, क्या इस सम्मेलन से हमारे देश को कुछ फ़ायदा होने वाला है? और हाँ तो बताइए क्या फ़ायदा होने वाला है, कमेंट बॉक्स पूरा खाली है। तब तक के लिए नमस्कार। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये भी ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलेंगे कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।